सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं और धीरे धीरे बाकी सारे लोग भी लाइव आ जाइए। रोशन, कुछ लोगों पे जो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कुछ लोगों पे नोटिफिकेशन है क्या? लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्यों? चलिए, आ चुके हैं बहुत सारे लोग के गुड इवनिंग आ चुके हैं। सभी को मेरी तरफ से भी गुड इवनिंग भाई। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? और हफ्ते को यादगार बनाते रहिए। आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, किसी को नाराज नहीं कीजिए। हम भी क्या कहते हैं ना, जियो और जीने दो, तो खुश रहो और दूसरे को भी खुश रखो। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, शिवम कुमार, प्रफुल्ल राज, सुमित कुमार, विकास, हिमांशु कुमार, गौतम कुणाल, अपूर वर्मा, नेहा पूजा, हिमांशु, और कितने लोग नीचे भी दिख रहे हैं। गुड इवनिंग सर अजीत कुमार, रवि कुमार सर, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जैविक रिप्लानी भी ऑप्शन में, लेकिन आंसर सबसे पहले जैविक रिप्लानी दिया है, पहले भी बोले थे मिस्टर। बेटा अगर जैविक रिप्लानी रवि कुमार दिया है ना, गलत दिया है वो ऑप्शन, कहीं भी दिया है गलत दिया है। वैसे तो कई बार ये मिलता है कि कोई और झंडा समिति थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि अगर झंडा समिति आए तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मारेंगे। अगर किसी किताब में जैविक रिप्लानी दिया है तो वो गलत है, ठीक है? रवि जी, दीपक कुमार, पंकज कुमार, प्रणव कुमार, बहुत सारे लोग धीरे धीरे आ चुके हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं आज का ये महासंग्राम टेस्ट। तैयार हैं आप लोग? अच्छे अच्छे आज प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे खूब सारा। चलिए, कृष्ण नंदन कुमार यादव जी, बोनी कुमार, रवि रंजन, सोनू कुमार, विकास कुमार, शिवराज नवादिया, नवीन चंद्रमणि, मनीष खन्ना, मिथुन कुमार, माथुरी, प्रभात कुमार, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं हमें, ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न, और प्रश्न हमारा गुजरात से रिलेटेड है, पाकिस्तान की सीमा से रिलेटेड है कि निम्न में से पीडीएफ, बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीक में, मैं सारे के सारे पीडीएफ दे दिया करूंगा, घबराइए मत, सब तैयार हो रहा है। सर हिस्ट्री का क्लास यूट्यूब पे होगा? चल रहा बेटा नरेंद्र कुमार जी, हिस्ट्री का क्लास, मेडिवल हिस्ट्री क्लास जो है शाम को 5 से 6 रेगुलर चल रहा है, कॉन्टिन्यूस देखिएगा आप। सर दिलीप भाई को पकड़ लिया गया है? हाँ पंकज जी, दिलीप जी मेरे बड़े अच्छे शिष्य हैं और वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए। गुजरात का कौन सा एकमात्र जिला है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है? अगर आप गुजरात को देखेंगे तो गुजरात में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसका नाम है रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, यहीं पे है भुज, ये है भुज, यहाँ पे है पाटन, और यहाँ चले आएंगे तो जामनगर, यहाँ जामनगर है, यहाँ भुज है, यहाँ पाटन है, और यही कच्छ है। तो ये जो कच्छ का एकमात्र यही जिला है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है। तो प्रश्न नंबर वन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कच्छ, या रन ऑफ कच्छ कहते हैं उसको, तो यही वो एरिया है जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश के निम्न जल विद्युत परियोजना में कौन कृष्णा नदी पर नहीं है? आंध्र प्रदेश के जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सा जो है जल विद्युत परियोजना, कौन सा कृष्णा नदी पे नहीं है? इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। टू का प्रश्न नंबर दो का सही आंसर दीजिए। तो ये नागार्जुन सागर, ठीक है, ये तो कई बार प्रश्न में आ चुका है, जहां पे अर्जुन की बात हो रही है तो अर्जुन के साथ कृष्ण अपने आप जुड़ जाते हैं, तो ये प्रश्न तो आप लोग कई सब देख चुके हैं। जहां कृष्ण रहेंगे
तो वहां प्रकाश अपने आप आ जाता है, तो प्रकाश बैराज ये भी है, ठीक है। और श्री शैलम ये भी भगवान का नाम है, तो ये भी कृष्णा नदी पे है। लेकिन ये जो पोलावरम है, ये पोलावरम कृष्णा नदी पे नहीं होके ये गोदावरी नदी पे, कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर दो, दो का सही आंसर सी। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर सी दिया है, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर टू, टू का सी आंसर। नेक्स्ट अगला है, निम्न में कौन सा जिला आंध्र प्रदेश प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी में शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां बन रही हैं, आप सभी को मालूम है, तो कौन सा नहीं है उसमें? विशाखापत्तनम। मैंने आपको बताया है, जब भी आपसे पूछा जाए राजधानी किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, तो कैपिटल की परिभाषा हमने बताया था कि वो जिला, वो स्थान जहां पे उस राज्य या उस देश की तीन जो प्रमुख संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर क्या होता है भाई? विधायिका का हेडक्वार्टर हो जाए, अगर केंद्र की बात करें तो संसद या पार्लियामेंट, और राज्य की बात करें तो विधानमंडल या लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी है वो आसमें आ जाएगा। कार्यपालिका की बात करें तो सेक्रेटरिएट, सचिवालय, और न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जिस भी जिले में या जिस भी स्थान पे ये तीनों संस्थाओं का मुख्यालय होगा वही राजधानी होती है। कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे जगहें हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये हो सकता है तीनों एक ही पे हों, और कुछ जगह हो सकता है कि तीनों अलग अलग हों। जैसे आप भारत की बात करें तो भारत की तीनों राजधानी, तीनों जो है मुख्यालय दिल्ली में ही, लेकिन अगर आप चले जाएंगे बोलीविया में तो बोलीविया की जो है कार्यपालिका और विधायिका जो है वो लापाज में है, लेकिन उसकी न्यायपालिका सुक्रे में। इसी तरह आप साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां भी तीन राजधानियां अलग अलग, ब्लोमफॉन्टेन में, डर्ब और क्या क्या, वो अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम को इसकी कार्यपालिका की राजधानी बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जहां पे सारे के सारे अधिकारी रहते हैं, सचिवालय, कार्यपालिका का मुख्यालय ये बनेगा, कौन सा? फिर अगला है कुरनूल, तो कुरनूल जो है वो उसकी विधायिका और न्यायपालिका, तो उसमें ये जो है न्यायिक राजधानी बनेगी, और जो अमरावती है वो इसकी विधायिका बनेगी। ऐसे पहले अमरावती का ही नाम आता था, तो ये विधायिका अमरावती। ये जो चित्तूर है यहां पे नहीं, वैसे चित्तूर जो है ये शहर पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है? क्योंकि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में जो बालाजी का, भगवान विष्णु का मंदिर है, वही चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका ये तीन तो है ही है, लेकिन ये चौथा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर थ्री, थ्री का सही आंसर डी। सर हम लोग का साइंस पॉलिटी कुछ भी नहीं हुआ बेटा। राकेश कुमारी, पॉलिटी की क्लास तो रोज सुबह चल रही है, पॉलिटी क्लास रोज सुबह चलती है भाई, 10 से 11 पॉलिटी क्लास कॉन्टिन्यूस चल रही है, और हिस्ट्री क्लास शाम को 5 से 6, और संडे को जो है 2 से 3 घंटे लगातार साइंस की क्लास चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड का डी। अगला नेक्स्ट, निम्न में कौन सा झील आंध्र प्रदेश में नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा झील आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा हमने फोकस किया हुआ है अभी, आंध्र प्रदेश में कौन सा झील नहीं है? तो ये सारे के सारे तीनों जो है ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये जो वीरापूजा झील है ये तमिलनाडु में, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। बाकी ये तीनों के तीन जो तीनों झील कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर भी फोर का हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में किस वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा? बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में किस वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा? प्रश्न नंबर पांच, पांच का सही आंसर, पांच का सही आंसर दीजिए, पांच का सही आंसर, पांच का सही आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर पांच का। तो ये विशेष रूप से अनुसूचित जो जनजाति की महिलाएं हैं, ट्राइबल्स, ये ट्राइबल महिलाओं का एक दल है, तो ये स्वाभिमान पुलिस बटालियन में जो है ट्राइबल महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइव का बी, फाइव का बी। नेक्स्ट अगला,
उत्तराखंड में बनने वाली नैतवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो है ग्लेशियर के टूटने से बहुत सारे लोग जो है मृत्यु उनकी हो गई, बहुत सारे कीचड़ और दलदल और उस नदी के बहाव में बह गए। तो इसलिए उत्तराखंड पे जो भी परियोजनाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो अब उसी में एक है नैतवार मोरी जल विद्युत परियोजना, इसका सही आंसर है टोंस नदी। कौन सी नदी? ये टोंस नदी जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। कौन सी है? प्रश्न नंबर सिक्स का सही आंसर डी। सिक्स का सही आंसर डी। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं सिक्स का डी, वेरी गुड। कुछ लोग बी दिए हैं, कुछ ए दिए हैं, ये सब नहीं है भाई, ये सब इसीलिए मैंने आपको ये सब ऊपर दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टोंस नदी। और भी आपको बहुत सारे जल विद्युत से प्रश्न में पूछता रहूंगा। अगला है इन पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है। ये महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र भी बहुत हाईलाइटेड इस समय है राज्य, तो ये जो है महाराष्ट्र के ये सारी की सारी पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ इसमें मध्य प्रदेश में भी है महादेव रेंज, तो इसका क्रम लगाना है कि सबसे नीचे कौन सा है। तो सबसे नीचे देखेंगे अगर महाराष्ट्र की बात करें, अगर हम ये भारत का नक्शा बनाते हैं और यहां पे अगर महाराष्ट्र की बात करें, किसकी, महाराष्ट्र की बात करें, तो इस महाराष्ट्र में सबसे पहले यहां पड़ेगा नीचे बालाघाट। क्या पड़ेगा? बालाघाट। बालाघाट के बाद ऊपर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद पड़ेगा यहां पे हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद यहां पे आएंगे तो यहां आएगा अजंता, और यहां आएंगे तो मध्य प्रदेश के एरिया में आपका पड़ेगा आपका महादेव रेंज। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा हुआ? बालाघाट 3, फिर कौन सा हुआ? दूसरा हरिश्चंद्र 2, और फिर कौन सा हुआ? अजंता रेंज 4। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। तो प्रश्न नंबर 7 का भी सही आंसर डी होगा, कई लोग बी सी मारे हैं, डी। कुंदन सिंह सर, व्हाट अबाउट द पीडीएफ सर, स्टिल नॉट अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। डोंट वरी कुंदन सिंह, वी विल प्रोवाइड ऑल द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, प्लीज वेट फॉर अ डेज, वन और टू डेज, ओके, वी विल गिव यू ऑल द पीडीएफ ऑफ दिस महासंग्राम टेस्ट ऑन और टेलीग्राम चैनल दैट इज रमांशु जीएस क्लासेस, वेट फॉर अ फ्यू डेज, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रश्न नंबर 7 का डी। नेक्स्ट अगला है, बुग्याल या प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल या प्यार घास के मैदान किस में पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर है डी, और वही चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में, इसको मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो वहां पे इसको मर्ग कहते हैं। वहीं उत्तराखंड में इसे क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का सी आंसर। कुंदन सिंह जी बिल्कुल सर, बीएसएससी सीजीएल कब तक आएगा, देखिए कब तक आता है, ठीक है, प्रश्न नंबर 8। नेक्स्ट अगला है, तिपाई मुख बांध परियोजना को लेकर भारत का किस देश के साथ विवाद चल रहा है? ये जो तिपाई मुख बांध परियोजना है ये है बराक नदी पे, बराक नदी। कल बराक नदी के बारे में बता रहा था, जो मणिपुर से होते हुए एंट्री करती है कहां पे, तो देखिए मणिपुर के निकट ना ही चाइना है, ना ही पाकिस्तान है, ना ही नेपाल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 का सही आंसर सी। और बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, धीरज, रैना सिन्हा, पूजा कुमारी, तेजी कुमार, राधेश श्याम, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, हिमांशु कुमार जी, 9 का सी आंसर बांग्लादेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तो ये बनाया गया था सन 1953 में कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो आजादी के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 3 संस्थाएं बनी, 3 कमेटियां या आयोग बने थे। पहला जो कमेटी बना था जिसको हम कहते हैं भाषाई, उसको हम कहते हैं पहला जो बना था वो था भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस के धर,
पहला जो बना था उसके थे एसके धर, और इनके साथ दो सदस्य और थे, उन सदस्य का नाम था एक तो जगत नारायण, दूसरा पाना लाल। जगत नारायण नारायण और दूसरे का नाम था पाना लाल, ये दो सदस्य थे, ये आईसीएस अधिकारी थे पाना लाल जी। इन तीनों का एक आयोग बना जिसको भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं, सबसे पहले ये बना, और इसने कहा कि भारत में जो राज्यों का गठन होना चाहिए उसमें भौगोलिक स्थिति, विकास, इस तरह की चीजों को देखना चाहिए। फिर इसके जो है चेक करने के लिए कमेटी बनी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, और इन्होंने इसकी बात को ही माना कि सही कह रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु जिसको पहले मद्रास कहा जाता था उसमें, वहां पे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे श्री पोट्टी रामल्लू, उन्होंने जो है भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे एक अलग राज्य की मांग की और उस पे अनशन पे बैठ गए, परिणाम स्वरूप 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पे एक नए राज्य का गठन कर दिया, जो राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो फिर बहुत सारे राज्यों ने मांग उठाई कि हमें भी भाषा के आधार पे नए राज्य का गठन करना चाहिए, तो फिर उसके लिए एक अलग से आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और अन्य दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पड़िक्कर। तो ये उसमें नहीं थे, बाकी ये थे। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। और फिर भाषा को भी शामिल किया गया और इस आधार पे नए राज्यों का गठन हुआ, तो कुल मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बने। तो भाषा के आधार पे सबसे पहला गठित हुआ कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन यही पूछा कि भाषा के आधार पे दूसरा कौन सा गठित हुआ, तो सन 1960 में गठित हुआ था, उसका नाम था गुजरात। भाषा के आधार पे दूसरा राज्य कौन सा गठित हुआ? तो गुजरात, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का बी। नेक्स्ट अगला है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? प्रश्न नंबर 11 दीजिए, आप लोग सारे लोग आंसर दीजिए, प्रश्न नंबर 11 का आंसर दीजिए। 11 तो आपको मालूम है कि हमारे संविधान में जो सातवीं सूची जिसमें तीन चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है? संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये दिया हुआ तीन सूचियों के बारे में दिया गया है। अगर पूछा जाए संघ सूची में कितना, तो पहले 97 विषय थे, अब बढ़ के 100 विषय हो गए, 100 विषय। अगर पूछा जाए राज्य सूची, तो पहले 66 थे जो घट के अब 61 हो गए। और पूछा जाए समवर्ती सूची, तो पहले 47 थे जो अब बढ़ के 52 हो गए। तो ये वो विषय हैं, अगर 100 पे जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, 61 पे जो है राज्य सरकार, और 52 पे दोनों बना सकते हैं। तो ये जो ये समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची में शामिल है कौन सा? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाना। इसके अलावा कई जगह राज्य सूची और कई जगह केंद्र सूची की बात हो जाती है, तो ये किस अनुसूची में दिया गया है? 11 का सी, ठीक है, सातवीं अनुसूची में। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला, संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सारे के सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो हमारे यहां संसदीय व्यवस्था जब भी पूछा जाए, तो आंख बंद करके एक आंसर लिख दीजिएगा, ब्रिटिश संविधान। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है, सांसदों के विशेषाधिकार, जो भी प्रणाली है वो मैक्सिमम ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का डी। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट है 15 अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में नहीं आता है? ये क्या होता है भाई आरंभिक अधिकारिता? तो ऐसे केसेस जिनको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, बाकी कोई और नहीं सुनेगा, ठीक है? तो
तो उसमें कौन कौन से हैं? तो अगर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई भी इस तरह का विवाद हो जाए, तो स्वाभाविक है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में चुनाव विवाद का इससे कोई मतलब नहीं। फिर भारत सरकार था किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच में जो है विवाद हो जाए तो बिल्कुल, और फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तो ये तीनों ऐसे होते हैं जिसकी प्रारंभिक अधिकारिता माने ये सारे के सारे केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी और कहीं नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 कौन सा हो गया? सी, प्रश्न नंबर 13। 13 का सही आंसर सी। कई लोग बी भी लिखे हैं, बी नहीं बेटा सी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्य अपना प्रस्ताव किसे सौंपते हैं? अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था जब दीपक कुमार जी के खिलाफ ही कुछ सांसद, खासकर राज्यसभा के सांसद जो है अपना ज्ञापन सौंपे थे। तो जान जाइए कभी कभी भी अगर लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा अध्यक्ष को या सभापति को, राज्यसभा की बात हो रही तो राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति को, अगर विधानसभा की बात हो रही तो विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति को, और विधान परिषद की बात हो रही तो विधान परिषद के सभापति या अध्यक्ष को ही। कोई भी काम होगा तो उसका जिम्मेदार वही होगा और वही निर्णय देगा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है कि नहीं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की बात लोकसभा में हो रही तो लोकसभा का प्रमुख कौन होगा? तो लोकसभा का प्रमुख होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, 3 का बी आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला है प्रश्न, अगले प्रश्न में जाइए आप सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार किस देश के संबंध जो है संविधान से लिया गया है? प्रश्न नंबर 15 का आपको जवाब देना है कि कहां से लिया गया है। परामर्शी क्षेत्राधिकार मैंने क्या होता है कि जब कभी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 141 में आता है, 143 में आता है कि अगर राष्ट्रपति को कोई भी विधि या कानून संबंधी कोई परामर्श करना है तो किससे लेगा? तो वो उच्चतम न्यायालय से। किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये बात कहां के संविधान से दिया गया? तो ये इस तरह का अगर कोई भी बात आए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। तो प्रश्न नंबर 15 और 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कनाडा। कई लोग 15 का आंसर ए लिखे हैं, ए नहीं बेटा, ये 15 का। लोग सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई तो हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था यूएसए से ली गई। नहीं, यूएसए से ली गई, लेकिन राष्ट्रपति को जो भी सलाह मशवरा की बात होती है, राज्यपाल रखने की बात होती है, वो सारा का सारा कनाडा से। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी। नेक्स्ट अगला है कि 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मैं कल बताया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में, लेकिन इसमें तो चेम्सफोर्ड का भी नाम है, मिंटो भी है, मॉन्टेग्यू भी है, तो क्या आंसर होगा? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर दीजिए सभी लोग। मैं सब देख रहा हूं, अमरदीप कुमार, संतोष कुमार, अभिनांश कुमार करण, अभिषेक सिंह, बबलू कुमार, भूषण कुमार, सुधांशु रंजन, आनंद किशोर, रैना सिन्हा, ये सारे लोग आंसर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर दीजिए। तो जानते हैं इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। चेम्सफोर्ड साहब यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, कल मैं बताया था इसके बारे में या परसों कल। और ये मॉन्टेग्यू साहब क्या थे? तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो लंदन में रहते थे, और यही सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे। तो इन्होंने ही बनवाया था, इसलिए इसको हम कहेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा। क्या कहेंगे? मॉन्टेग्यू घोषणा। तो 16 का सही आंसर डी होगा। बहुत लोग इसको बी भी लिखे हैं, इसीलिए मैंने प्रश्न दिया था कि ताकि आप लोग गलती कर सकें। ओके, मेडिवल का बैच बेटा चल रहा है, अभिषेक कुमार जी, मेडिवल का बैच चलता है शाम को 5 से 6, जिसमें सल्तनत पढ़ा दिया गया है और मुगल पढ़ाया जा रहा है मोबाइल ऐप पे। मोबाइल ऐप पे शाम को 5 से 6 मेडिवल की क्लास चल रही है और बहुत ही सस्ती क्लास है। अगर आप चाहें तो हमारे मोबाइल ऐप एडू आश्रम पे जाके परचेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में जाके एडू आश्रम, और वहाँ पे मेडिवल की क्लास चल रही है, शाम को 5 से 6 चलती है क्लास, बस इसी के जस्ट पहले, तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का। फिर अगला, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग कहते हैं। ये भी एकदम मिलता जुलता है, इसका सही आंसर दीजिए भाई। ये भी 1900
सत्रह अठारह के आसपास है, और जब भी 1917-18 की बात होगी तो किसका नाम आएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। टेपरी चेबू समस्तीपुर। अभिषेक कुमार सर, हम पॉलिटी लिए बेटा, पॉलिटी का बैच अभिषेक कुमार जी मॉर्निंग में चलता है 10 से 11, 10 से 11 पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री पढ़ा दिया गया, कल मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बताया जाएगा, और भी मोबाइल ऐप पे चल रहा है, तो आप मोबाइल ऐप पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नारायण कुमार जी सर कितना पैसा लग रहा है सर जी? बेटा किसी का 300, किसी का 400, ऐसे ही फीस है उसमें, सब्जेक्ट बहुत सस्ते हैं। अब अगला अगला जब आएगा तो बढ़ जाएगा, अभी फिलहाल 400-500, इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं है। जो सबसे महंगी फीस है वो 551 रुपये है, वो भी दरोगा पुलिस और SSC सबका जो है रिवीजन बैच टाइप का है, 2 महीना, उसकी फीस 551 रुपये है, बाकी सब फीसें सस्ती हैं। तो आप 399 में, 199 में सारे के सारे बैच खरीद के पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का भी। नेक्स्ट अगला है, बिहार के किस जिले में तारामंडल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा रही है? प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या है? मैं बीच बीच में आपको झारखंड के भी प्रश्न भी देना शुरू करूंगा, कुछ दिन में यूपी के भी प्रश्न देना शुरू करूंगा, राजस्थान, MP, उत्तराखंड के भी प्रश्न देना शुरू करूंगा, तो तैयार रहिएगा सभी लोग। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर डी, दरभंगा। ओके, एंशियंट का बैच अभी आएगा बेटा, जल्दी ही एंशियंट का बैच जल्दी ही, बस मेड्यूल खत्म होने के बाद एंशियंट आएगा। भारत सरकार ने किस महापुरुष के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? देखो दो तरह के, दो जल दिवस है, एक तो जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और वो जल दिवस है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे, नेशनल वाटर डे। तो 22 मार्च होगा जो बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और भारत में किसके नाम पे? तो अंबेडकर साहब का जन्मदिवस आता है 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय जल दिवस। तो इसका सही आंसर है 19 का ए। देखिए बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं प्रश्न बहुत आसान है क्या? खटाखट आंसर दे देंगे, मुझे मैक्सिमम लोग आंसर गलत ही दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप आंसर बहुत सारे सही सही देंगे, लेकिन आपके बहुत लोगों के आंसर गलत हैं भाई, आप लोग तो फेल हो जा रहे हैं हमारे परीक्षा में, ऐसे नाक कटाएंगे क्या? अभी तो जबकि शुरू ही नहीं किया, अभी तो पुराना है बहुत सारा दे रहे, अभी नया तो अभी आने वाला है, जल्दी वैलेंटाइन डे के बाद शुरू होगा सब कुछ, वसंत पंचमी के बाद, और नए नए प्रश्न आएंगे एकदम धुआंधार, उसमें हिस्ट्री के एकदम नए प्रश्न जो आप तक किसी किताब में नहीं देखे होंगे, पॉलिटी के नए नए प्रश्न बना बना के रखा हूँ, देना शुरू करूंगा बसंत पंचमी के बाद, और खूब सारे नए नए प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स के नए नए प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जो आप पढ़े हैं लेकिन सॉल्व करने में आपको जो है सोचना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये जल्दी ही आने वाला है, सब लोग तैयार रहिए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट अगला, निम्न में तांबा सोना लोहा कोयले की खानों का सही क्रम लगाइए। तांबा कहां मिलता है? तो सभी को मालूम है तांबा खेतड़ी राजस्थान, सोना तो सोना कोलार कर्नाटक में, पूछा जाएगा लोहा कहां पे? तो लोहा कुद्रेमुख। जिला का नाम क्या है? तो जिला है चिकमंगलूर, वहां पे पहाड़ी है कुद्रेमुख, तो वही चिकमंगलूर में वहीं पे लोहा पाया जाता है। और कोयला कहां पे? तो झरिया झारखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 20 का सही आंसर ए। आपके लिए बहुत सारे प्रश्न मेरे पास तैयार हैं, आने वाले हैं, और आप सभी लोग को PDF मिलना शुरू होगा बसंत पंचमी के बाद, सारे के सारे PDF एकदम टेलीग्राम पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, और हम लोग का टेलीग्राम एड्रेस सभी को मालूम है, तैयार रहिए बस, टेलीग्राम एड्रेस सभी को मालूम है, रमांशु GS क्लासेस, जो YouTube का एड्रेस है वही है, रमांशु GS क्लासेस पे आप जाएंगे, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पे, यहीं पे आपको जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जाती है वहीं पे आपको सारे के सारे PDF दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ए। नेक्स्ट अगला, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में कहाँ पर है? ये इतना बड़ा यार्ड है जो विश्व का लगभग 50% से जो है ज़्यादा जो पानी की जहाजें हैं यहीं पे तोड़ी जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर, ठीक है, इससे UN के प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी विश्व के लगभग 50% से ज़्यादा जहाज यहीं पे आके तोड़े जाते हैं, और वो है अलंग। और कहाँ पे है अलंग?
तो ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भावनगर। भावनगर में ही ये अलंग है और यही सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है पूरे विश्व में। पूरे विश्व की बात हो रही है, भारत का ही है पूरे विश्व में, और विश्व के लगभग 50% से ज्यादा जहाज यहीं तोड़ी जाती है। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर बी। ओके चलिए, वेरी गुड। बबलू कुमार, रितु सिंह, सुजीत कुमार, श्रेया श्री, अलंग, हिमांशु कुमार, अभिषेक सिंह, सोनाली कुमारी, रैना सिन्हा, शंभू, सुनील, राजू सोनी, पूजा यादव, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। अंकित पाठक जी, ठीक है, इन प्रश्नों का आंसर देते रहिए आप, और बहुत ही कम समय में हम ये प्रश्न सॉल्व करवाते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, मिनिमम टाइम अधिक कर सके। फिर अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन उग्र विचारधारा के नहीं थे। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो बहुत आसानी से आप आंसर दे देंगे। प्रश्न नंबर जो है 22, 22 का सही आंसर दीजिए, बहुत आसान। तीन लोग का अपना नाम सुन रखा है, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, बचपन से आपने रट रखा है। लाल मने क्या हो गया, तो लाला लाजपत राय, पाल मने तो बिपिन चंद पाल, और बाल मने तो बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों जो है एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल के लोग माने जाते हैं, तो इसमें नरम दल के कौन हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये तो मैक्सिमम लोगों को मालूम है। इकोनॉमिक्स का भी बैच आएगा, अब इकोनॉमिक्स का बैच मैं पढ़ाऊंगा बेटा, जल्दी ही आएगा वो इकोनॉमिक्स का बैच, वो भी मोबाइल ऐप पे भी आएगा, क्लास में ही आएगा। ये सारे के सारे बैच फरवरी के बाद मार्च में आने शुरू हो जाएंगे। एनसीएंट का बैच आएगा और इकोनॉमिक्स दोनों बैच आएगा आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 22, 22 का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, विजयनगर के किस शासक को प्रौढ़ देव राय, कभी प्रौढ़ देव आ सकता है, एक दूसरा और नाम था गज बेदकर या गज बेटकर, ये भी नाम आता है, यानी हाथी को कब्जे में करने वाला, या कई लोग उसको वहां के लोग इंद्र का अवतार भी कहते थे, इंद्र का अवतार, ठीक है, ये नाम भी कहा जाता है, प्रौढ़ देव राय, गज बेदकर, इंद्र का अवतार, ये किसको कहा जाता है ये बताइएगा। इनका जो शासन काल था वो शासन काल 1424 से लेके 46 तक, 1424 से लेके 46 तक इनका शासन काल रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं बताइएगा सारे के सारे लोग, ठीक है, कौन है। और अगला क्लू ये भी है कि ये संगम वंश के थे, ये चार ऐसे वंश रहे हैं, संगम वंश, फिर अगला है तुलुव वंश, फिर अगला है सालुव वंश, ठीक है, सॉरी, संगम वंश, संगम वंश के बाद सालुव वंश, सालू के बाद तुलुव वंश, और तुलु के बाद अराविडु वंश, ये चार वंश हैं जो विजयनगर में शासन किए थे। और ये अराविडु के बाद में क्या आ जाता है, तो अराविडु के बाद में आ जाता है कर्नाटक का आड्यार वंश, कर्नाटक का आड्यांश, और कई बार तो यही सीरीज से लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये संगम वंश, सालू, तुलु, अराविडु, और लास्ट में आड्यार वंश आ जाता है, और फिर यहीं पे टीपू सुल्तान और हैदर आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 23 का बी, 23 का बी। कई लोग कृष्णदेव राय लिख रहे हैं, मारेंगे तो दांत टूट जाएगा तुम लोग का, बता रहे हैं कौन कौन लोग गलती किए हैं, सब सी सी लिख रहे हैं भाई। देखिए प्रवीण कुमार, देवव्रत जी क्या पूछ रहे हैं भाई, देवव्रत जी दोबारा पूछिए। पवन कुमार सही लिखे हैं, विपिन जी गलत हैं, संतोष गलत हैं, रैना सिन्हा गलत हैं, गोलू सही हैं, संदीप राज गलत हैं, श्रेया श्री सही हैं, अनु केसरी गलत हैं, गोलू गलत सही हैं, संतोष कुमार गलत हैं, संदीप राज, बहुत सारे लोग गलत आंसर दिए हैं, सी सी मारे हैं, जबकि सही आंसर इसका क्या है, बी। अंकित पाठक जी ने भी गलत किया हुआ है, सी लिखे हुए हैं, बेटा कृष्णदेव राय नहीं है सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास ऐप पर, बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास अभी ऐप पे तो नहीं चल रहा, तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, फिर ऐप पे भी शुरू होगा, मार्च में शुरू करूंगा मैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का भी। नेक्स्ट अगला है, इसमें कौन सा राजा बाबर का समकालीन नहीं था। बाबर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, क्या लिखा था, तुजुक ए बाबरी, और ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तुर्की भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुजू के बाबरी। और इस किताब में पांच मुस्लिम शासक और दो हिंदू शासकों का नाम लिखा है, पांच मुस्लिम शासक हैं और दो हिंदू शासक हैं। मुस्लिम शासक में कौन, तो वही आगरा और दिल्ली के लोधी वंश, अगर आगरा और दिल्ली की बात करें तो लोधी वंश में कौन, तो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम
लोदी, अकबर के तुजू के बाबरी में है ये, इब्राहिम लोदी। और जब इस तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद हो गया तब बन गया ये बाबरनामा। ठीक है, तो आगरा में इब्राहिम लोदी, उसके बगल में चले जाएंगे तो गुजरात, गुजरात में बहादुर शाह जिसने हुमायूं को बहुत परेशान किया था, गुजरात में बहादुर शाह, तो ये गुजरात में बहादुर शाह हो गए। फिर अगला मालवा में कौन, तो मालवा में महमूद खिलजी सेकेंड, मालवा, मालवा में कौन भाई, तो महमूद खिलजी सेकेंड, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, खिलजी सेकेंड, महमूद खिलजी सेकेंड। दो और बचे, एक बहमनी शासक कलीमुल्ला और एक बंगाल का नुसरत शाह। ये बहमनी, बहमनी जो है, बहमनी में कौन था भाई, तो कलीमुल्ला, कलीमुल्ला। और अगला जो है बंगाल, तो बंगाल में कौन है भाई, तो बंगाल में नुसरत शाह, नुसरत शाह। ठीक है, तो ये पांच मुस्लिम शासकों का उसके किताब में उल्लेख मिलता है, और दो हिंदू हैं, तो दो हिंदू में कौन है, तो एक हिंदू का नाम है राणा सांगा, मेवाड़ के शासक, और दूसरे का नाम है विजयनगर के कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। और उसने अपने किताब में लिखा है कि सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत का शासक कौन था, कृष्णदेव राय। तो इसका सही आंसर जाएगा 24 का सी। आए कौन सा इसमें अच्छा कौन सा समकालीन नहीं था ये पूछ रहा है ना, तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कौन नहीं था भाई, तो बहादुर शाह ही है, नुसरत शाह ही है, कृष्णदेव राय ही है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारमल। ये भारमल जो है ये अकबर के समकालीन था, अकबर और हुमायूं के समकालीन, बाबर के समकालीन नहीं था। तो इसका सही आंसर 24 का हो जाएगा डी। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है 24 का डी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया था। जा देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने लोग देते हैं। मूल अधिकार को सबसे पहले अपने संविधान में किसने शामिल किया था, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम एक बार लाइक भी कर दीजिए भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 25, 25 का सही आंसर, 25 का सही आंसर, 25 का सही आंसर दीजिए, 25 किस देश ने शामिल किया था, 25 का सही आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं सबको। अभिषेक सिंह जी पूछ रहे हैं सर वैलेंटाइन डे की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। तो वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई यही कंफ्यूजन है, तो इंडिया तो बाद में आता है, भारत का वैलेंटाइन डे भी यही महीना होता है, बसंत पंचमी का महीना हम लोग यहाँ वैलेंटाइन डे ही मनता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25, 25 का सही आंसर, बहुत लोग गलत दिए हैं और सबने यूएसए लिखा है जो गलत आंसर है, मैक्सिमम लोग सीसी आंसर दे रहे हैं, सब गलत हैं, सारे लोग गलत हैं, एकदम शुरुआत से लेके अंत तक सब लोग गलत, सब गलत, सब सही आंसर छोड़ के बाकी सब दे रहे हैं। ये यहाँ पे ये फ्रांस लिखा हुआ है, ये फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और भारत, मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हैं। 25 में सी सी सी, और भूषण कुमार ने सही, इसका सही आंसर है ए, लिखा कि मूल अधिकारों को संविधान में सबसे पहले किसने शामिल किया था, तो फ्रांस ने। मूल अधिकार की सबसे पहले बात कहां पर हुई थी, तो 1215 में, कहां पे, ब्रिटेन में। भारत ने मूल अधिकार कहां से लिया है, तो यूएसए से। और आप मूल अधिकार शब्द बस देखते ही आपके दिमाग में यूएसए आता है, ये नहीं सोचते कि प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि मूल अधिकार को संविधान में किस देश ने शामिल किया है, तो उसका सही आंसर होगा ए, फ्रांस। और बहुत सारे लोग एकदम आंख बंद करके ताबड़तोड़ जो है यूएसए मारे जा रहे हैं, यही गलती आप लोग करते हैं, यही बार बार मैं कहता हूं कि मेरे प्रश्न देखने में बड़े आसान लगते हैं, एग्जामिनेशन में बड़े एकदम हलवा की तरह लगेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो 99% चांस है कि आप गलत ही करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ए, फ्रांस। ओके, तो चलिए, थैंक यू आप। तो चलिए, हमारा मोबाइल ऐप है ये एडू आश्रम, एडू आश्रम में देखिए लोगो दिखाई देगा, अगर आप सर्च करेंगे किस पे, प्ले स्टोर पे, तो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, और जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हर डेली मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे भी कोशिश करेंगे रेगुलर आएंगे,
इस सैटरडे को, तो शाम को 4 से 6 हम लोग इस महीने का, पिछले महीना जो है उसका प्रतियोगिता अर्पण सॉल्व करेंगे, और उसको पढ़ाऊंगा मैं 2 घंटे आपको, ठीक है। उसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लेकिन बहुत बड़ा होता है तो आप किताब ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो फरवरी महीने का प्रतियोगिता अर्पण आपको पढ़ाऊंगा मैं सैटरडे को 4 से 6, तो उस दिन जो है टेस्ट नहीं चलेगा, क्योंकि बढ़ के टाइम लग जाता है, कभी कभी 6:30 भी लग जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग का टेस्ट रेगुलर चलता रहेगा, कभी कभी सैटरडे जब PD नहीं होगा तो सैटरडे को भी क्लास चलेगा। तो इसी तरह आप लोग आते रहिए, मिलते रहिए, और इसी तरह आप लोग सहयोग बढ़ाते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। और साथ ही साथ सर इलाहाबाद में एक ब्रांच ओपन कीजिए, मजा आ जाएगा सर पढ़ के। अभिषेक कुमार जी, बिल्कुल इलाहाबाद में आऊँगा मैं, आप ही के राज्य से हूँ, आपकी राजधानी लखनऊ से, तो इलाहाबाद जरूर आऊँगा, बहुत जल्दी ही इलाहाबाद आऊँगा, और कुछ न कुछ वहाँ शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 6:15 बजे अपने YouTube चैनल रमांशु जी क्लासेस पे। तब तक आप सभी लोग इसको लाइक करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।